नमस्कार, मैं आज कमालपुर गांव के स्कूल में हूँ। आप देख सकते हैं उत्क्रमित मध्य विद्यालय कमालपुर उर्दू लिखा हुआ है उर्दू। अभी मैं इस गांव में जा रहा हूँ, आज मेरा प्रोग्राम है। जाते समय मैंने गाड़ी रोक दी। बड़ा मनोरम दृश्य लगा, मुझे लगा कि मैं स्कूल नहीं किसी पुराने ज़माने के खंडहर में जा रहा हूँ। मेरे पीछे आप देख सकते हैं स्कूल का नज़ारा। यहाँ ऐसे स्कूल और ऐसे खंडहर में पढ़ेंगे बच्चे तो क्या पढ़ेंगे बच्चे। मेरे पिताजी का तो नारा है, जो पढ़ गया सो बढ़ गया, मगर ऐसे खंडहर में पढ़कर मुझे तो नहीं लगता कि बच्चे कभी भी आगे बढ़ पाएंगे। मुझे ये सोचकर तरस आता है कि हमारे ये जो कौशल परिवार के लोग हैं, जिनकी अभी वर्तमान विधायिका श्रीमती पूर्णिमा यादव जी भी हैं, उन्होंने 5 सालों में कमालपुर क्षेत्र हो या बिशनपुर क्षेत्र हो या बरकुरवा हो, एकतारा हो, जहाँ कहीं भी मुझे जाने का मौका मिला, मैंने देखा कि शिक्षा की व्यवस्था को पूरी तरीके से उन लोगों ने बर्बाद कर दिया है। कोई एक स्कूल ऐसा नहीं मिला जिसे हम कह सकते हैं कि ये आदर्श स्कूल है। और इसे देखकर तो मैं अचंभित रह गया जब मुझे ये पता चला कि स्कूल है। देखने में ये खंडहर लगता है, लगता है राजा विक्रमादित्य कभी यहाँ बैठा करते थे। तो मैं अपनी लापता विधायिका से ये पूछना चाहता हूँ कि 5 सालों में क्या आपको एक बार टाइम नहीं मिला, एक बार आपके पास वक्त नहीं मिला कि आप कमालपुर आएँ और आप देखें कि स्कूल में पढ़ाई होती है या नहीं होती है। इन लोगों ने भी आपको वोट किया था, इनकी क्या कमी थी, इनको इनका क्या गुनाह था कि आप इन्हें सजा दे रही हैं। आप इनकी तरफ एक बार भी मुड़कर आपने नहीं देखा कि यहाँ पढ़ाई होती है या नहीं होती है। बच्चों ने बताया कभी शिक्षक नहीं आते हैं, इनका जो रसोई घर है उसमें कोई खाना नहीं बनता है, जो बच्चों के लिए मिड डे मील है वो सही तरीके से वितरण नहीं हो रहा है। आप केवल कुर्सी की चिंता कर रही हैं, बच्चों की पढ़ाई हो या ना हो। चलिए, दोबारा मैं वीडियो किसी और स्कूल किसी और गाँव से बनाऊँगा, तब तक के लिए धन्यवाद।